क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? नीत बिट्टू के अंदर क्या आतंकी का खून है भाई? किस तरह का बिहेवियर? हाँ, इस देश में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है कि ऐसा दिन ना आए, इसका ये इंटरप्रिटेशन है आपका। आप इंटरप्रिटेशन आप करेंगे, ये राहुल गांधी के शब्द है और इस देश की कोटि को जनता तय करे। राहुल का स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट यही है जी। राहुल गांधी उठ के चल दिए, इसका मतलब कि वो एक एजेंडा के तहत दिमाग में रख के लाए थे। राहुल गांधी देशद्रोही है और यहाँ पे सरदारों को भड़का करके दंगे कराने चाहते हैं। चलो शुरू करता नहीं, चिट्ठी लिख दिया कमेंट बॉक्स में, बात हो रही है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? क्या बैन सिंह शहीद नहीं हुए थे? नहीं, कहा जा रहा है कि बिट्टू रवनीत बिट्टू के अंदर क्या आतंकी का खून है? सरदार बैन सिंह कौन थे भाई? किस तरह का बिहेवियर? हाँ ठीक है, अब मेरी बात का उत्तर दीजिए, किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहे हैं मिस्टर बिट्टू? और अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने खुद कहा कि बीजेपी खुद नहीं एंडोर्स करती इस तरह के शब्दों को, करना भी नहीं चाहिए चाहे कोई भी पार्टी हो। प्राइम मिनिस्टर मेरा भी है, हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैं वर्ड यूज करता हूं हमेशा, उसी तरीके से ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन है। और कहना क्या चाहती है बीजेपी या इस तरह के नेता? द प्राइम मिनिस्टर कम है, गिव अ स्टेटमेंट। मैंने डिमांड करना सवाल पूछा, क्या बिट्टू आतंकी का पोता है? हाँ, उसमें आतंकी का खून है? ये शब्द जो बोलेगा ये जायज है? और क्या इस देश में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है? लगता है कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। इस बात को आप एंडोर्स करते हैं? नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी ने नहीं कहा था, इसी राहुल गांधी ने कहा था हम संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, अब मेरे को बोलने दीजिए आप। राहुल गांधी ने कहा था एक सिख जेंटलमैन से बात करते वक्त, उसके उत्तर में कहा था, इट वॉज अ रिप्लाई टू बलिंदर सिंह को जो जर्नलिस्ट है, ये कहा था हमारा संघर्ष इसलिए है कि ऐसा दिन ना आए, इसका ये इंटरप्रिटेशन है आपका। आप इंटरप्रिटेशन आप करेंगे द्वारा जाने में या पगड़ी पहनने में समस्या है? दिस इज व्हाट इंडिया अलायंस स्टैंड्स फॉर। भलिंदर सिंह ने उसके अगले दिन बोला मैं उसको काउंटर करना चाह रहा था, लेकिन मुझे काउंटर करने का मौका नहीं मिला। और 10 सितंबर 2024 को मैं कोर्ट खड़ा हूं राहुल गांधी को, मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल गांधी के शब्द है और इस देश की कोटि को जनता तय करे कि सत्य है या ये प्रपंच और झूठ है, प्रोपेगेंडा है। क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है? क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है? ये बोला गया। पूरा स्टेटमेंट यही है जी। नहीं, वो स्टेटमेंट यही है। अरे यार, घुमा फिरा के हम ही फोन कर रहे हो यार। सुधांशु पॉइंट इज दिस, सुधांशु सवाल ये है, राहुल गांधी की भावना समझी जाए और बिट्टू की भावना ना समझी जाए, वो एक आतंकी का पोता है। अभी बजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैं यहाँ पर बिट्टू ने अपशब्द यूज किए हैं, राहुल गांधी ने अपशब्द नहीं यूज किए। जिन मैं पूरे, अरे भाई जवाब उसको कोई इंडोर्स नहीं कर रहा। बोटी काटने से बड़ा मर जा मोदी, सुनिए बोटी से काटने से बड़ा अपशब्द नहीं होता। और जिस दिन इमरान मसूद ने यह बयान दिया था, कोई जाके चेक कर ले, वो सपा के प्रत्याशी थे, नेक्स्ट डे राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए जबकि वो कांग्रेस के व्यक्ति नहीं थे, और फिर कांग्रेस में लाकर उनको पार्टी का टिकट दिया, आज वो कांग्रेस से सांसद है, वो विषय अपनी जगह। परंतु आपने जो अभी बात कही, यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो जिस सिख ने वो सवाल पूछा अमेरिका में, उसका वीडियो अवेलेबल है। उसने कहा कि उसने प्रश्न कुछ और पूछा था, राहुल गांधी जी कुछ और बोलने लगे और उसके बाद उसे उस विषय का काउंटर करने का मौका ही नहीं दिया गया, राहुल गांधी उठ के चल दिए। इसका मतलब कि वो एक एजेंडा के तहत दिमाग में रख के लाए थे और उनके जो मन में आया उन्होंने बोला और उसके प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। बात तो सही है। और जो आपने बात कही शहीद होने की, बात तो मानी हुई बात है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी देशद्रोही है और यहाँ पे सरदारों को भड़का करके दंगे कराने चाहते हैं, क्या? वाह, अबे साले क्या बोल रहे हैं उनको, जरा वापस लीजिए। आप सोचिए क्या बोल रहे हैं, सरकारों को सरदारों को भड़का के दंगा कराने चाहते हैं? ये क्या कहना क्या चाहते हैं? ये इन्होंने क्या बोला सुधांशु, क्या कहना क्या चाहते हैं ये कि राहुल गांधी पन्नू से मिले हुए हैं? तो उनको कोर्ट, राहुल गांधी खालिस्तानियों से मिले हुए हैं। रवनीत गुप्ता ने बोला कि यही मोहब्बत, अरे भाई यही इंप्लाई कर रहे हैं ना। अरे भाई सुनिए सुधांशु, विवेक जी, ये विवेक जी इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कह रहा हूं विवेक जी, इतना तैश में आने की जरूरत नहीं है। पन्नू ने खुला समर्थन किया भाई उनका,
और लिखत पढ़त में समर्थन किया है, उन्हें गुस्से में इसका जवाब देना चाहिए था। पन्नू जो मुझे कोई समर्थन नहीं चाहिए, शांत रहिए भाई, बीच में नहीं बोले। अरे तुम से मिले हुए हैं, फिर आपने अपने टर्न पे बोलिए, ये तरीका गलत है बीच में बोलना। तो आपने क्यों नहीं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की? आप हमास को लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं? क्या तरीका है भाई? मुझे टर्न वाइज बोलना पड़ेगा। तीन लोग डिबेट कर रहे हैं और शांति से डिबेट हो रहा है। आपने बहुत सारे कमेंट्स करे विवेक जी, लेट हिम रिप्लाई, इज अ राइट टू रिप्लाई, मेंबर ऑफ पार्लियमेंट, तीन ही लोग हैं, आप आंसर टर्न आए, आप पूरा धज्जी उड़ा दीजिएगा। दोस्तों आपने देखा कि डिबेट राहुल गांधी के एक बयान पे हो रही थी, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी अपने तर्कों पे जवाब दे रहे थे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव अपने आदत के अनुसार सुधांशु त्रिवेदी को डिस्टर्ब करना उनकी फितरत है। बीजेपी के या सरकार का कोई भी प्रवक्ता हो तो उसको डिस्टर्ब किए बिना ये अपनी बात को पूरा कभी नहीं करते, अपने टर्न पर तो ये बोलते ही हैं, लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे तब जो है सो उसके बीच में घुस करके उसको इंटरप्ट करते रहेंगे। वैसे यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।